झांसी के कटेरा थाना पुलिस व खनन टीम ने बालू से भरी दो ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। दरअसल बालू के मामले में खनन निरीक्षक ने अवैध खनन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है और उस पर कार्यवाही करते हुए बालू से भरे दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खड़ा कर दिया गया। इस कार्यवाही में राघवेंद्र सिंह, गिरीश चंद्र वर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र विक्रम सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ झांसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मऊरानीपुर में 18 सामूहिक विवाह सम्मेलन नरसिंह भगवान मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें 85 जोड़ों की शादी कराई गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक बिल्हौर भगवती प्रसाद सागर व किशोरी बाबू रहे, जिनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष जुगल किशोर, संतोष श्रीवास, प्रमोद कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में भी महाशिवरात्रि की बड़े ही धूमधाम से यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं बच्चों समेत हजारों की संख्या में लोग पैदल इस यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में बड़ी दूर दूर से आए कलाकारों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जहां सुरक्षा के लिए सीओ, तहसीलदार व कई थानों की पुलिस भी तैनात रही। इस दौरान राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से बारात में शामिल लोगों को फल बांटकर पानी भी पिलाया गया। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के जलालाबाद ग्राम पंचायत गढ़िया कछपुरा मजरा खीर राजपुरा विकास कार्यों से कोसों दूर है, जहां विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया, जिससे वहां के निवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन विभाग में बैठे अधिकारी केवल खाना पूर्ति करने में ही लगे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। ये मकान जो इस तरह से जानवर, अब जब इसका निकास नहीं होगा तो दूसरे घर में किसी को तो घुसेगा। हाँ, रोड बन जाना चाहिए, प्रधान को बनवाना चाहिए। ये नाली कहाँ तक है? ये तालाब है पीछे, जब उसका निकास नहीं तो पानी कहाँ निकलेगा? हाँ, निकास मतलब निकास तो ये तो प्रधान की गलती है, उसे बनवाना चाहिए। रोड भी बनवाए, नालियाँ बनवाए, पानी का निकास करे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रोहित यादव। रोहित यादव, मकान धसने का जा रहा है। पानी जब भाई पानी भरा है तो मतलब निकास होगा नहीं, नुकसान होएगा। और निकलने बैठने में दिक्कत होगी, पानी भरा है। पानी नाली बन जाए तो पानी निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आदमी निकलने ये। हेलो, मतलब ब्लॉक के अधिकारियों ने प्रधान ने नहीं काम करवाया है। कराओ ही नहीं, कराओ तो हो ना। परेशानी में आप लोग रह रही है, मकान गिरेगा आपके पास, आपका भी मकान साथ में गिरेगा तो निशान होएगा, मकान गिरेगा, हमारा भी गिरेगा, बाल बच्चा कोई गली में निकलता उसका भी दब जाएगा बाल बच्चा। निशान है भैया, आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो लगा था बन जान चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक, आप भी चाहते हैं बन जाना चाहिए, खाली बन जाए, रोड बन जाए बढ़िया भाई। लेकिन यहाँ के अधिकारी वो जो है नहीं बनवा नहीं, कोई आवा तो चले गए। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। इंदौर में महेश्वर जानापाव उद्वन नर्मदा सिंचाई परियोजना महू विधानसभा क्षेत्र में लाने के लिए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में 21 दिवसीय नर्मदा कलश व जन जागरण यात्रा का आयोजन महू विधानसभा में किया गया, जिसका समापन महाशिवरात्रि के अवसर पर जानापाव कुंड में मां नर्मदा का जल चढ़ा कर किया गया। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।